हाय, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशंस में। तो आज का ये वीडियो सेशंस काफी यूजफुल है, जहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डाटा रिकवरी का टूल्स। जी, आपको पता होगा कि आज के डेट में बहुत सारा काम, यानी हमारी लाइफ का सारा वर्क कंप्यूटर पर निर्भर, या बहुत सारे वर्क मोबाइल पर निर्भर। ऐसे में जितने भी सारे वर्क हम लोग करते, सारे का बहुत सारा डेटा होता है, जिसे सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि डेटा किसी कारण से डिलीट हो जाता है, हैक हो जाता है, उस समय बहुत परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम कोई भी डेटा का रिकवरी करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं, कोई भी डेटा अगर आपका किसी कारण से डिलीट हो गया, तो उसको वापस कैसे लाते हैं भी बिना कोई परेशानी का। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस इंफॉर्मेशन को अपने कॉन्टेक्ट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम लाइव बता रहे हैं कैसे हम कोई भी रिलेटेड डाटा को वापस लाते हैं। तो डाटा रिकवरी के तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि EJS डाटा रिकवरी विजार्ड है, आर स्टूडियो है, फोटो रैक है, रिकोवर है। ये सब मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है विंडोज कंप्यूटर का, जहाँ पे आप फ्री में आसानी से डाटा रिकवर कर सकते हैं। वहीं पे आपका डिस्क ड्राइव है, फोन लैब, एंड्रॉयड डेटा रिकवरी है, एयर मोर है, फोन बॉ है, अल्ट्रा डाटा है, फोन रेस्क्यू। ये सब ऐसे एप्लीकेशन है जिससे आप मोबाइल में आसानी से डाटा रिकवर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं लाइव स्क्रीन पे। तो देखिए, ये हमारा, मैं डिस्क पीसी खोल रहा हूँ, मैं पूरा आपको लाइव बता रहा हूँ डेटा रिकवरी करके। ये देखिए, न्यू वॉल्यूम ई आपको दिख रहा होगा, इसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ हमारा कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं, विन सेटअप फ्रॉम USB करके डेटा ऐप है एक, दूसरा VVI करके टेक्स्ट फाइल है, देखते हैं क्या लिखा है। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ गुड नाइट वगैरह लिख दिए हुए हैं आपका, ये देख सकते हैं। और तीसरा हमारा एक प्रेजेंटेशन का फाइल, अभी आपके सामने में लाइव हम क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। यानी कंट्रोल ऐसे मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हम क्या कर दे रहे हैं, डिलीट। डिलीट हो चुका, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आएगा रिसाइकल बिन में, हम आपको रिसाइकल बिन में आते हैं। और रिसाइकल बिन से भी क्या करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं डाटा परमानेंट हमारे रिसाइकल बिन से भी उड़ चुका है, और हमारा जो ड्राइव था उस ड्राइव से भी उड़ चुका है। तो यहाँ से देखते हैं कि टोटल डाटा उड़ गया है। मान लीजिए कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, अब मुझे इसको सही सलामत वापस लाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वापस लाने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर, डिस्क डिगर है, डिस्क ड्रिल है, रिकोबा है, लैजसॉफ्ट है, बट हम आज ट्राई कर रहे हैं एक नया ऐप जिसका नाम है EJS पार्टीशन रिकवर। तो उस डाटा, उस ऐप को हमें कंप्यूटर में लाना होगा। यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर ले रहे हैं, ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में नेट जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोल लेना, यहाँ से आपको गूगल सर्च कर लेना, google.com। सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट लिंक पे जाके EJS आपका डेटा रिकवरी सर्च करना है, आ जाएगा EJS डाटा रिकवरी। जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक पे आपको जाएंगे, देखिए, गेट लेटेस्ट डाटा रिकवरी टूल से, इस पे आपको जाना है। जैसे ही यहाँ जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप नीचे करते ड्रैग, यानी ऊपर में दिख रहा है फ्री यूज के लिए। फ्री यूज पे हम क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसे। एक बार अगर नहीं हुआ, दोबारा क्लिक करना होगा आपको, देख लेते हैं हमारा डेटा डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, हमारा डाउनलोडिंग हो चुका है, डाउनलोडिंग में लग चुका है, थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, ये देखिए डाउनलोड होकर रेडी है हमारा सॉफ्टवेयर। अब जैसे ही डाउनलोड हो गया, अब हम क्या करेंगे, आपका यहाँ से डिस्क पीसी ओपन करेंगे, यहाँ से हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ देखिए ये फ्री जो है डेटा रिकवरी विजार्ड आ चुका है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। और यहाँ से ये इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन देगा, यहाँ से हम यस करेंगे, इसको कट कर दे रहे हैं। तब अगला ऑप्शन आएगा। तो आपने देखा क्या कि अभी हम आपको लाइव बता रहे हैं डाटा रिकवरी कैसे करें। तो हमारे ई ड्राइव में कुछ डाटा था, लाइव हम आपको डिलीट करके बताए, यहाँ तक कि रिसाइकल बिन से भी उसे मुराद दी, परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से हट चुका है। अब मुझे उसे वापस लाना, लाने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बट हम ट्राई कर रहे हैं EJS डाटा रिकवरी। तो गूगल से जाकर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है,
और डाउनलोड हो गया तो उस पर आप इंस्टॉल कर डबल क्लिक किए, यानी कि इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा समय लेगा और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल डाटा जो भी उड़ा होगा उसे हम आसानी से वापस ला सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसी आधार पर आप मोबाइल का डेटा रिकवर कर सकते हैं और इसको आप लाइव देख लीजिए। तो देखिए हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और डेस्कटॉप पे आइकन भी बन के रेडी है। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ से यस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक। यहाँ पे डेटा रिकवरी का एक ऑप्शन आएगा, कैसे रिकवर करना है देखिए। यहाँ पे दो बार तीन बार नेक्स्ट कर देना है आपको, गॉट इट कर लेना और यहाँ से मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन दे रहा है कि आप किस डाटा किस लोकेशन से डाटा रिकवर करना चाहते हैं, मीन्स डाटा आपका कहाँ से उड़ा है, डेस्कटॉप से उड़ा है या कोई फोल्डर से उड़ा है, रिसाइकल बिन से उड़ा है या SD कार्ड से उड़ा है या सी ड्राइव से उड़ा है, डी ड्राइव से उड़ा है, कहाँ से, या कोई पार्टीशन डिलीट हुआ है वहाँ से उड़ा है। जहाँ से आपको डेटा रिकवर करना है वो पाथ चुन लेना है। फिलहाल हमारा न्यू वॉल्यूम ई से डिलीट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, मैंने न्यू वॉल्यूम ई सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और नीचे देखिए ए सर्च फॉर फ्री लॉस्ट है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका ऑप्शंस आ चुका है। देखिए हमारा तीनों का तीनों डाटा जो है आ चुका है, गौर से देख सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन करके था वो भी डेटा आ चुका है, ये हमारा विंड सेटअप करके ऐप था वो भी आ चुका है, VVI टेक्स्ट भी आ चुका है। अब मुझे इसे रिस्टोर करना है, हम यहाँ से क्या करें, दो दो डाटा, अगर हमें रिस्टोर करना है जो डाटा हमें लेना है हम यहाँ से उसको टिक कर देंगे। और यहाँ से जैसे कि हम ये तीन डेटा लेना है, हमने तीनों सेलेक्ट कर लिया और रिकवर पे क्लिक कर रहे हैं। पूछ रहा है कहाँ रिकवर करना, सी में करना, डी में, अदर लोकेशन, था अदर लोकेशन हम ले लेते हैं। यहाँ से हम सेव करते हैं और देख लीजिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे लिख हम रिकवर कर रहे हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट फोल्डर कर लिए। अब देखिएगा ये हमारा रिकवर हो चुका है और यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों डाटा हमारा रिकवर हो करके कहाँ आ चुका है डिस्प्ले पे, आप गौर से दिख पा रहे हैं, हम आपको देखते रहे। देखिए हमारा तीनों डेटा रिकवर नाम का एक फोल्डर बन गया डेस्कटॉप पे, हम इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे ही ओपन करेंगे ये देखिए न्यू वॉल्यूम ई दिख रहा है और यही तीनों डाटा हमारा हो रहा था। ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट था, ये VVI में गुड नाइट के आसपास लिखे हुए थे, देखिए ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ये ऐप भी है, तो आप देख सकते हैं कि लाइव जो हमारा डेटा हमने डिलीट किया था, ये एक्सीडेंटली किसी कारण बस डिलीट हो गया था, उसको हम लाइव हम वापस ला करके दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अभी भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कॉन्टैक्ट में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।